हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। आज है 5 अक्टूबर 2018 और हम 4 अक्टूबर 2018 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन रहे हैं उतने हम लेके आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि डिजिटल यात्रा सेवा किस क्षेत्र में चालू की गई है। यहाँ चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है बस, सेकेंड है ट्रेन, तीसरा हवाई जहाज़ और चौथा है मेट्रो। तो ये डिजिटल बस सेवा जो है ये हवाई जहाज़ के क्षेत्र में चालू की गई है। ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की यात्रा के लिए किस देश के राष्ट्रपति आए हैं। तो देखो, अभी भारत में रूस के राष्ट्रपति आए हैं पुतिन, और इनके बीच में शायद समझौता होने वाला है S-400 जो एक मिसाइल है, उसके बारे में शायद चर्चा होने वाली है। तो देखिए, रूस के बारे में आप कुछ चीज़ें जान लें। फैक्ट जो है कि रूस की जो राजधानी है, रूस की राजधानी है मास्को, एंड रूस के राष्ट्रपति जो है पुतिन है, सबको पता है। और रूस का जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण में पूरे वर्ल्ड में प्रथम स्थान है, क्षेत्रफल में प्रथम स्थान है। और मुद्रा जो है, रूस की मुद्रा है रूबल, मुद्रा जो है रूबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले युवा भारतीय क्रिकेटर कौन है जिसने पहले ही टेस्ट मैच में शतक लगाया है। देखिए, सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर कौन है जिन्होंने टेस्ट में शतक लगाया, पहले ही टेस्ट में शतक लगाया। देखिए, विराट कोहली नहीं है, ये देखिए पृथ्वी शाह हैं, पृथ्वी शाह ने लगाया है शतक। जिनके देखिए जो ये हैं सबसे कम उम्र के, ये 18 साल के हैं। इनका जो जन्म हुआ था 9 नवंबर 1999 में महाराष्ट्र में हुआ था, महाराष्ट्र में। देखिए ये जो है अंडर 19 क्रिकेट जो है उसके कैप्टन भी है, और इन्होंने जो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो भी जितवाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ICICI बैंक के नए CEO और CMD कौन है। देखिए तो इसके अभी जो नए CMD बने हुए हैं वो हैं संदीप बख्शी हैं। इसके पहले कौन थे उसके पहले जो CEO थे वो लेडीज़ थी, चंदा कोचर थी पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये निम्नलिखित में से कौन से देश को युवा ओलंपिक खेलों के आयोजन के लिए चयनित किया गया है, अभी चयनित किया गया है, और ये है अर्जेंटीना को, अर्जेंटीना के लिए युवा ओलंपिक खेलों के लिए चयनित किया गया है। तो देखिए अर्जेंटीना के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लीजिए। अर्जेंटीना की जो कैपिटल है वह है व्यूनस आयर्स, और यहाँ का जो राष्ट्रपति है मेरिसियो मैक्री, और क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से अर्जेंटीना 8वें स्थान पे आता है, और जनसंख्या के से ये तीसरे नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए तुर्की में आयोजित विश्व कप फाइनल में किस महिला भारतीय तीरंदाज ने कांस्य पदक जीता है। देखिए अभी अभी आयोजित हुआ है, तो इसमें किस महिला खिलाड़ी जो है जिन्होंने कांस्य पदक जीता है, तो ये जो हैं जिन्होंने दीपिका कुमारी जो है इन्होंने जीता है तीरंदाज में कांस्य पदक जीता हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये जो नेक्स्ट है अंजलि भागवत जो हैं ये शूटर हैं, ये भी स्पोर्ट की हैं और ये शूटर हैं, शूटिंग करती हैं, और इन्होंने शूटिंग में बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, शूटिंग में इन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला हुआ है और अर्जुन अवार्ड दोनों मिले हुए हैं इनको। गीता फोगाट रेसलिंग से हैं, और ये जो कविता चहल है वो बॉक्सिंग से हैं। कविता चहल को भी अर्जुन अवार्ड मिल चुका है।
अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, देखिए 4 अक्टूबर को कौन सा दिन है? 4 अक्टूबर को जो दिन मनाया जाता है वो अंतर्राष्ट्रीय पशु दिवस मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। और देखिए थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस तो सबको पता है 28 फरवरी को मनाया जाता है। सी वी रमन इफेक्ट दिया था इन्होंने। विश्व धरोहर दिवस मनाई जाती है 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को मनाई जाती है विश्व धरोहर दिवस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन है, देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण अवार्ड 2018 में पहला स्थान किस जिले को मिला है? देखिए किस जिले को मिला है यहाँ पूछा जा रहा है, राज्य नहीं पूछा गया है, पूछा गया किस जिले को मिला हुआ है। थोड़ा तो डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया। तो देखिए ये जो अवार्ड मिला है ये मिला, पहला स्थान मिला हुआ है सतारा डिस्ट्रिक्ट है, ये है महाराष्ट्र में है, सतारा डिस्ट्रिक्ट जो महाराष्ट्र में है। और सेकेंड स्थान पर रहा है रेवाड़ी, ये सेकेंड स्थान पर रहा है, ये हरियाणा में है रेवाड़ी। और ये पेदापल्ली जो है, पेदापल्ली को थर्ड स्थान मिला है, थर्ड नंबर के स्थान, और ये तेलंगाना में है। तो देखिए यहाँ पास और क्वेश्चन राइज हो रहा है कि स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण अवार्ड में राज्य कौन सा जिसे पहला स्थान मिला है? तो ये जो हरियाणा राज्य है, हरियाणा को फर्स्ट स्थान मिला, हरियाणा राज्य को मिला है। और सेकेंड स्थान जो मिला है, स्टेट की बात करूँ जिले में तो ये हो गए, और राज्य की बात करेंगे सेकंड में मिला है गुजरात को। थर्ड नंबर पे रहा है ये महाराष्ट्र, थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र मिल रहा है। और ये अवार्ड जो है स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण अवार्ड कौन देता है? ये देता है पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, इसके द्वारा दिया जाता है। और ये दिया था इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया था, हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर जी को दिया था, मनोहर लाल खट्टर जी को। और यहाँ पास एक और क्वेश्चन आया कि जो हरियाणा है, हरियाणा का राज्यपाल कौन है? इस समय हरियाणा के राज्यपाल है सत्यदेव नारायण। ठीक है, अब अगला देखिए, आप गुजरात के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गुजरात की देखिए राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। और गुजरात के जो मुख्यमंत्री है वो विजय रूपानी है। और गुजरात का जो राज्यपाल है वो है ओम प्रकाश कोहली, इस समय है ओम प्रकाश कोहली है। ठीक है, अब तेलंगाना राज्य जो तो अभी बना था 2014 में बना हुआ था, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। देखिए इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो चंद्रशेखर राव। और इसके राज्यपाल जो है नरसिम्हन है, ESL नरसिम्हन बोलते हैं, पूरा जो है ESL नरसिम्हन बोलते हैं। तो देखिए आज के जो 4 अक्टूबर से इतने ही करंट अफेयर के अच्छे क्वेश्चन बने हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 5 अक्टूबर के जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन रहे हैं वो लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा।